हेलो ऑल वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स सब्जेक्ट कोड इज के सी फाइव लेक्चर नंबर थर्टीन सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात की थी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी रिगार्डिंग योर सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर कि सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर क्या है ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वॉट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वैल्यू मीन्स ए फिल ठीक है सो so, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक तरह से आप कह सकते हैं सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर का डेरिवेटिव थ्योरी हम लोगों ने स्टडी किया था नाउ इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर जैसे कि हमने लो पास फिल्टर की डिजाइनिंग की थी सेम कॉन्सेप्ट है हमारा सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर की डिजाइनिंग करने के लिए सो अगर किसी ने पहले लो पास फिल्टर को नहीं सीखा है लो पास फिल्टर की डिजाइनिंग कैसे होती है सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर की डिजाइनिंग बाय सैलिन के इक्वल कंपोनेंट और बाय सैलिन के यूनिटी गेन सो आप पहले मैं यहाँ पे रेफर जरूर करूंगा कि आप पहले प्रीवियस लो पास फिल्टर को देख लें क्योंकि वहाँ के डिजाइनिंग समझने के बाद आपको हाईपास फिल्टर में कोई नई चीज नहीं मिलने वाली सेम टू सेम वैसे ही डिज़ाइन है जैसे कि हमारा लो पास फिल्टर पे है ओके सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आई होप कि आप लोगों को लो पास फिल्टर डिजाइनिंग याद होगी तो याद है तो आप बहुत ईजिली कर पाएंगे सेकेंड ऑर्डर डिजाइनिंग सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर की डिजाइनिंग सो डिजाइनिंग का मतलब जैसे कि हमने सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर पढ़ा था तो वही मैंने यहाँ पे रिकैप के लिए आपके लिए लिया है दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अवर हाई पास फिल्टर जिसको हमने स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर किया था बाय ए अपॉन एस स्क्वायर एल्फा उमेगा एस उमेगा स्क्वायर एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ एल्फा एंड ओमेगा एन दैट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर दैट इज द फेल इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई अंड थ्री सी टू सी थ्री तो अगर मैं डिज़ाइनिंग की बात करूं तो डिज़ाइनिंग में मेनली क्या होता है डिज़ाइनिंग में मेनली होता है कि जो मेरा सेकेंड ऑर्डर हाईपास फिल्टर है वी हैव सिक्स कंपोनेंट कौन कौन से अगर हम बात करें तो C2 है हमारे पास R2 है हमारे पास C3 है हमारे पास R3 है हमारे पास और ऊपर की साइड था आर और आर एफ सो अगर डिज़ाइनिंग करनी है तो मुझे इन सिक्स कंपोनेंट की नमारिक वैल्यू को लेके आना है ठीक अब इस नुमारिक वैल्यू को लेके आने के लिए मेरे पास कौन से दो मेथड होते थे डिजाइन करने के लिए जी हमने जो लो पास में पढ़े थे फर्स्ट वन इज द सालिन के इक्वल कंपोनेंट एंड सेकेंड वन इज द सालिन के यूनिटी के तो यहाँ पे फिर से मैं एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि सैलन के इक्वल कम्पोइेंट में क्या होता था अगर आपको याद भी होगा तो आपके लिए बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज है कि सैलन के इक्वल कम्पोइंट में हम लोग क्या करते थे आर टू इज इक्वल टू आर थ्रीवल टू आर एंड सी टू इज इक्वल टू सी थ्री इज इक्वल टू सी यानी कि इक्वल कंपोनेंट तो मेरा आर टू आर थ्री इक्वल है और सी टू सी थ्री इक्वल है तो जो मेरा फॉर्मूला लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का लाइक एफ एल इज इक्वल टू वन ओवर टू पाए अंडरउट ऑफ आर टू आर थ्री सी टू सी थ्री जैसे ही आप ये कंडीशन इसमें पुट करेंगे सो so यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर यानी कि दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस वन अपॉइट टू पाई आर स्क्वाज लाइक सिंपली एफ एल इज इक्वल टू वन ओवर टू पाई आर सी जो कि सेम वही फॉर्मूला आपके पास आ गया जो हमने फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर में भी देखा था फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर में भी देखा था और यही सेम चीज हमने सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर में भी देखा था है, okay. so, so आप लोगों को पता है हम को लेट करते हैं लेट सी इज इक्वल टू पॉइंट जीरो क्वेश्चन में गिवन आता है इज़ गिवन क्वांटिटी, सो व्हाट इज द नोन अननोन वैल्यू ओवर हियर अनोन रहेगा केवल आपका आर जो यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे देन दो रिमेनिंग कंपोनेंट बचते हैं व्हाट इज दैट आर वन एंड आर एफ तो आर वन और आर एफ कैसे डिजाइन होते हैं बाय द फॉर्मूला ए एफ इज इक्वल टू वन प्लस आर एफ बाय आर वन इस फॉर्मूले से हम लोग डिजाइन करते थे जैसे कि हमने फर्स्ट ऑर्डर में भी किया है सेकेंड ऑर्डर में भी किया है प्रीवियस डिजाइन में किया है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है ए एफ अब अगर मैं बात करूं सेकेंड ऑर्डर फिल्टर में तो आपने एक फार्मू हम लोगों ने पढ़ा था डेट इज एल्फा इज इक्वल टू क्या होता था अल्फा इज इक्वल टू दिस फार्मूला ये जो हमने कंपेयर करने के बाद पढ़ा था अल्फा इज़ इक्वल टू आर टू आर सी टू आर टू सी थ्री आर थ्री सी थ्री वन माइनस ए एफ डिवाइडेड बाय द अंडर रूट ऑफ आर टू आर थ्री दिस इज आर थ्री सी टू एंड सी थ्री तो जैसे ही मैं इसमें इक्वल कंपोइंट करूंगा यानी आर जो भी है चाहे आर टू है चाहे आर थ्री है डाट इज इक्वल टू आर एंड सी चाहे सी टू है चाहे सी थ्री इज रिटर्न एज आर सी तो ये हो जाएगा आर सी प्लस आर सी प्लस आर सी वन माइनस ए एफ ठीक है सो अल्टीमेटली आप लिख सकते हैं आर सी आर सी आर सी माइनस ए एफ इंटू आर सी डिवाइडेड बाय आर सी तो अगर आर सी सारे कॉमन कर दिए जाए तो ये हो जाएगा थ्री माइनस ए एफ तो सेम फॉर्मूला हम लोगों ने लोपास में भी आया था दैट अल्फा इज इक्वल टू थ्री माइनस ए एफ और ए एफ इज इक्वल टू थ्री माइनस अल्फाइन तो यहाँ पे इफ यू रिमेम्बर तो अल्फा को हमने क्या दिया था अल्फा की वैल्यू नोन होती है मायले फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स लाइक अगर मैं बटरवर्थ फिल्टर की बात करूँ तो अल्फा इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर वन फोर अगर हम बेसल्स की बात करेंगे अल्फा इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन थ्री और अगर हम सेविशव की बात करेंगे सो अल्फा इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो फाइव फोर ओके तो डाट डिपेंड्स ऑन अवर क्वेश्चन कि हमें अल्फा की वैल्यू को क्या चूज़ करना है और बाय डिफ़ॉल्ट जो हम बात करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फिल्टर कौन सा होता है बटरवर्थ तो जब हम बटरवर्थ की बात करते हैं तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.414 पॉइंट so तो जैसे ही आप अल्फा इज इक्वल टू वन लेंगे सो so हमारा ए कितना हो जाता था ए हो जाता था वन यानी कि बाई डिफॉल्ट हमारा सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर भी 1.586 गेन के लिए डिजाइन होता है मतलब 1.586 गेन के साथ डिजाइन होता है ओके तो दिस इज द प्रोसीजर सैलिन के इक्वल कंपोनेंट हाई पास फिल्टर देखिए मैंने यहां लिखा भी लो पास है बिकॉज यहां पे लो लिखें चाहे हाई लिखें दोनों के लिए सेम डिजाइन स्टेप्स हैं इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर आपको लो पास फिल्टर याद है तो आप यहां वीडियो को स्किप कर सकते हैं यू कैन डायरेक्टली ट्राई द निकल बट अगर आप Uh, को लो पास फिल्टर याद नहीं है या आप एक रिव्यू परपज से जा रहे हैं तो आप इसको देखेंगे आपको एकदम याद आ जाएगा कि हाँ यही सेम चीज हमने लो पास में भी बोली थी नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ फिल्टर जो हमारे यहाँ पे बनता है उसे हम क्या बोलते हैं दैट इज द यूनिटी गेन फिल्टर सैलिन के यूनिटी गेन फिल्टर ओके तो सैलिन के यूनिटी गेन की कंडीशन क्या थी नाउ द टर्म डिफाइंड यूनिटी गेन तो यूनिटी गेन का मतलब क्या हो गया नाउ ए एफ इज इक्वल टू वन तो जब ए एफ इज इक्वल टू वन हो गया तो इस केस में आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि वन प्लस आर एफ बाय आर वन जो कि हमारा क्या हो जाएगा वन सो आर एफ बाय आर वन की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो दैट मीन्स दिस इज ऑनली पॉसिबल वेन आर एफ इज इक्वल टू जीरो एंड आन वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी ओके okay. जब आर वन इन्फिटी होगा आर एफ जीरो होगा तभी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो सो यहाँ से वही सेम कंडीशन ड्राइव होती है एंड द सेकेंड कंडीशन जो हमने यहाँ पे देखी थी लो पास फिल्टर के लिए ही दैट इज आर टू इज इक्वल टू आर थ्री इज इक्वल टू आर होता है तो अगर आप लोअर आप फॉर्मले में जाएंगे वहां पे हाई पास फिल्टर के लिए हम इसे बोलेंगे एफ एल सो एफ एल इज इक्वल टू हो जाएगा वन ओवर टू आउट ऑफ आर टू आर थ्री यहां पे फॉर्मूला था ना वन ओवर टू पाए अंडर रूट ऑफ आर टू आर थ्री सी टू सी थ्री तो यहां पे आपका आर टू आर थ्री क्या हो गया आर स्क्वायर सी टू सी थ्री सो आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा दिस बिकम आर अंडर रूट ऑफ नाउ द सेम थिंग एफ एल तो मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर दिस इज गिवन आर मुझे कैलकुलेट करना है सी टू को मैं लेट कर लेता हूं लेट सी टू इज इक्वल टू पॉइंट जीरो माइक्रोफेरेट बट अभी भी मेरे पास क्या नोन बचा है अभी भी मेरे पास सी थ्री अनोन है C3 थ्री यहां पर कैसे कैलकुलेट होता है C3 थ्री कैलकुलेट होता है बाय द फॉर्मूला ऑफ एल्फा अब अगर आप एल्फा के फॉर्मूले में R2 R3 की जगह R पुट करेंगे और सी टू सी थ्री एज इट इज रखेंगे और ए की जगह क्या पुट हो जाएगा वन भाई अल्फा का फॉर्मला था ना अल्फा का फॉर्मूला क्या था हमारा ये वाला आर टू सी टू प्लस आर थ्री सी थ्री प्लस आर थ्री सी थ्री वन माइनस ए एफ तो जैसे ही मैंने यहां एफ को वन पुट किया वन माइनस वन ये जीरो हो गया तो मेरे पास की वाली दो वैल्यू बचेगी अपन मंडाउट आर स्क्वायर सी टू सी थ्री तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एल्फा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी थ्री अंड ऑफ सी टू सी थ्री तो यहां से आपने सी टू को लेट किया हुआ है लेट सी टूज इक्वल टू पॉइंट जीरो अल्फा अगेन मुझे नोन है बटरवर्थ के लिए 1.414 पॉइंट फोर वन फोर शेवी वन पॉइंट सेवन थ्री शेवी वन पॉइंट जीरो फाइव एंड बसल्स के लिए तो बाई डिफॉल्ट हमारा बटरवर्थ ही रहता है तो इसलिए अल्फा की वैल्यू वन पॉइंट फोर वन फोर मुझे याद हो जाती है सो अल्फा भी मुझे नोन हो गया सी टू मुझे नोन हो गया तो यहां से मैं क्या सॉल्व कर लूंगा सी थ्री तो यहां से आपका सी थ्री सॉल्व होगा पहले एंड देन फ्रॉम दिस फॉर्मुला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर दिस इज द प्रोसीजर जो हमने लो पास में बात की थी हाई पास में भी सेम थिंग है सेकेंड ऑर्डर की डिजाइनिंग में कोई चेंज नहीं है चाहे वो लो पास है चाहे वो हाई पास है बट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लो पास बोला गया सो वी हैव टू ड्रॉ द सर्किट फॉर लो पास एंड अगर हाई पास बोला गया सो वी हैव टू ड्रॉ द सर्किट या वी हैव टू डिजाइन द सर्किट फॉर हाई पास फिल्टर ओके सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली हाउ वी कैन डिजाइन अ पर्टिकुलर हाई पास

ओके okay, यही चीज मैंने आपको लो पास में बोली थी वही सेम चीज हाई पास में भी है कि जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं आता कि यू हैव टू डिजाइन सैलिन के यूनिटी गेन फिल्टर तब तक आपको बाय डिफॉल्ट इक्वल कंपोनेंट का ही यूज करना है बिकॉज दिस इज सिंपल एज कंपेयर टू योर एज कंपेयर टू योर सेलिन के यूनिटी गेन फिल्टर ओके सो क्वेश्चन इज डिजाइन सेकंड ऑर्डर हाईपास वट एवर फिल्टर ऑफ लोअर कट ऑफ टू टू हंड्रेड हर्टल हम लेट करते हैं एंड इज पॉइंट जीरो आर टू इज इक्वल टू आर थ्री इज इक्वल टू आर डेट इज इक्वल टू वन ओवर टू पाई एफ एल सी कहां से आया बिकॉज एफ का फॉर्मूला क्या आ गया था वन ओवर टू पाई आर सी तो यहां से आप आर कैल्कुलेट करेंगे एफ एल इंटू सी नाउ दी वैल्यू पॉइंट सेल्यू अब इसके अलावा मेरे पास बेसिकली कुछ नहीं है अगर आप देखेंगे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए आर वन और आर एफ की वही सेम चीज ए एफ इज इक्वल टू थ्री माइनस एल्फा एल्फा बाई डिफॉल्ट यहाँ पे कौन है बटरवर्थ तो बटरवर्थ की वैल्यू कितनी हो गई 1.414. सो so, 3 माइनस वन पॉइंट फोर वन बिकम वन जो कि हमारा सेकेंड ऑर्डर फिल्टर इतने गेन के लिए डिजाइन होता ही है सो वन पॉइंट फाइव एट सिक्स इज इक्वल टू वन प्लस आर एफ बाई आर वन सो आर एफ की वैल्यू क्या हो गई पॉइंट फाइव एट सिक्स इन आर वन नाउ द सेम प्रोसीजर हम आर वन को लेट करते हैं आर वन इज इक्वल टू टेन किलो ओम तो आर एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइव पॉइंट एट सिक्स किलो ओम तो आई थिंक दिस पार्ट इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट इन द द्वेश्चन बिकॉज आपको जब बटरवट फिल्टर करना है तो आप उसमें अल्फा की वैल्यू सेम रहेगी तो ए एफ वन पॉइंट फाइव एट सिक्स ही आना है और अगर ए एफ वन पॉइंट फाइव एट सिक्स आएगा तो मेरा आर वन टेन के हमें लेट करना है और आर एफ की वैल्यू पॉइंट एट सिक्स किलोम ही आने वाली है नाउ कैलकुलेशन इज डन मैंने आर को कैलकुलेट कर लिया हमने सी को कैलकुलेट कर लिया वी नो द वैल्यू ऑफ आर वन नोट द वैल्यू ऑफ आर एफ बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होता है आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है कैलकुलेशन के साथ साथ यू हैव टू डिजाइन द सर्किट मुझे सर्किट जरूर ड्रॉ करना है अगर मैंने सर्किट ड्रॉ नहीं करा सो मुझे कोई मार्क्स मतलब मार्क्स uh, के रेस्पेक्ट में अगर बात करूँ तो मुझे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे इन केस ऑफ अगर मैंने कोई सर्किट ड्रॉ नहीं किया तो ठीक है सो फाइनल स्टेप मत भूलिएगा ड्रॉइंग द सर्किट ऑफ हाई पास बटरवर्थ फिल्टर ओके सो दिस इज माई सी टू दिस इज माई सी थ्री दिस इज माई आर थ्री सॉरी आर टू एंड दिस इज माई आर थ्री दिस इज माई आर वन एंड दिस इज माई आर एफ सो पुटिंग द नुमारिकल वैल्यू ये जरूरी नहीं है कि आपको सी टू सी थ्री आर टू आर थ्री ये जरूरी नहीं है लिखना बट वी हैव टू राइट डाउन द नुमेरिकल वैल्यू ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है जरूरी है मैंनेडेटरी टास्क है सो दिस सी टू पॉइंट जीरो वन माइक्रोफेड सी थ्री अगेन पॉइंट जीरो वन माइक्रोफेरेड आर टू की वैल्यू सेवेंटी नाइन पॉइंट सिक्स आर थ्री भी सेम है सेवेंटी नाइन पॉइंट सिक्स किलोम आर वन की वैल्यू हो गई टेन किलो होम और आर एफ की वैल्यू हो गई फाइव पॉइंट एट सिक्स किलो होम तो दिस फिल्टर इज कम्पलीटेड डिजाइन इज कंप्लीटेड दिस इज माई सेकेंड ऑर्डर हाई पास बटवर्थ फिल्टर जो कि कितनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन हुआ है जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है टू हंड्रेड हर्ट्स तो ये फिल्टर आपका टू हंड्रेड हर्ट्स के बाद के सारे सिग्नल को पास करेगा और उसके पहले के सिग्नल को ब्लॉक करेगा ओके, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर स्टडी करने के बाद डिजाइनिंग कैसे करनी है सेकेंड ऑर्डर हाईपास फिल्टर की या हाई पास फिल्टर क्या होता है हाईपास फिल्टर की डिजाइनिंग कैसे की जाती है सेकेंड ऑर्डर हाईपास फिल्टर नाउ यू विल अंडरस्टैंड एंड डू इट विद अ प्रॉपर मैनर ओके सो अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू मी आपका टॉपिक फिनिश हो गया है अब आप, आप इस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं वी हैव कवर्ड लो पास एंड हाई पास फिल्टर नेक्स्ट लेक्चर में जो हम स्टार्ट करेंगे हम स्टार्ट करेंगे बैंड पास फिल्टर बट उस पर जाने से पहले मैं फिर एक बार आपको बोल दूँ कि बैंड पास फिल्टर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लो पास एंड अ हाई पास ठीक है हाई पास और लो पास दोनों का कॉम्बिनेशन है दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है बैंड पास के अंदर तो इसलिए बैंड पास तक जाने से पहले अगर आप अपने हाई पास और लो पास को अच्छे से क्लियर कर लें कि कैसे डिजाइन प्रोसीजर है कैसे ट्रांसफंक्शन कैलकुलेट होता है क्या सर्किट है तो आपको बैंड पास उतना ही ईजी लगेगा ओके बिकॉज दीज आर स्टेप बाय स्टेप कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको आगे की जो टॉपिक्स हैं वो और इजी लगने लगेंगे बिकॉज सब में एक ही हमें काम करना है सर्किट ट्रांसफर फंक्शन टॉप फ्रिक्वेंसी और डिजाइनिंग तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द बैंड पास फिल्टर तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग थैंक यू